किया सेल्टोस फेसलिफ्ट लॉन्च हो चुकी है और गाड़ी में मिल गया है ढेर सारा टेक अपडेट्स। तो चलिए आपको बताते हैं 3 रीजन क्यों आपको किया की सेल्टोस कंसीडर करनी चाहिए। उससे पहले कि मैं पूरी बात बताऊं, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार सब्सक्राइब कर लो और हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर दो, जहां पे डेली हम अच्छे अच्छे कंटेंट्स डालते हैं। हमारी बहुत सारी सीरीज है, जैसे 3 रीजन आपको कोई गाड़ी क्यों खरीदनी चाहिए, क्यों नहीं खरीदनी चाहिए, किसी भी गाड़ी का गुड बैड और साथ ही किसी भी गाड़ी में डिफरेंसेस क्या क्या है। उसी के साथ टॉर्क एन ओरिजिनल्स की कुछ सीरीज, जहां पे आपको बहुत सारे ऑटोमोबाइल से रिलेटेड अच्छी अच्छी स्टोरी सुनने को मिलेगी, जो आपको 2% स्मार्ट बनाएगी डेली ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर। सबसे पहला भाई, इंटीरियर और एक्सटीरियर हर लेवल पर गाड़ी को अपग्रेड किया है। जहां बाहर से गाड़ी थोड़ी सी मोर मैच्योर लगने लगी है, वहीं अंदर से गाड़ी में काफी प्रीमियम फिट फिनिश क्वालिटी का यूज किया गया है। टच स्क्रीन को भी काफी बेटर कर दिया गया है और जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है उसको भी पहले से ज़्यादा अच्छा कर दिया गया है, जो कहीं ना कहीं गाड़ी को बहुत बड़ा एडवांटेज देता है। दूसरा रीज़न, गाड़ी का केबिन तो प्रैक्टिकल और स्पेशियस था ही, साथ ही गाड़ी में एडेड लेवल 2 का एडास ऐड हो गया है, जो इस गाड़ी को ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक, ज़्यादा टेक लोडर बनाता है और इस गाड़ी के फेवर में देता है एक बड़ा रीज़न। तीसरा रीज़न है गाड़ी में ढेर सारे इंजन ऑप्शन, ट्रांसमिशन ऑप्शन और कई सारे वेरिएंट्स, जो आपको हर लेवल पे चूज करने का एक ऑप्शन देगा। अगर आपको ज़्यादा पावर वाला इंजन चाहिए तो आप ज़्यादा ले लो, नेचुरल चाहिए नेचुरल ले लो, अगर आपको स्पोर्ट या जीटी लाइन वेरिएंट चाहिए तो आप जीटी लाइन सेल्टोस ले लो। तो कंसिडरेबल ऑप्शंस बहुत सारे हैं जो इस गाड़ी की सेल्स में एक बहुत बड़ा रोल ऐड करते हैं। हर तरह के ड्राइवर या हर तरह के कार लवर्स को ये केटर करती है। तो ये था आज का वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।